हाँ उसका अदब मालूम नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि मुशायरे कवि सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बखूबी लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं। मुंबई का मुसलमान, मुंबई के उलमा, मुंबई के अंदर रहने वाले कोई पीर, मुंबई का मुसलमान बच्चा बच्चा हज हाउस के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हूँ सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के हज हाउस में हो रहे मुशायरे को लेकर बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख ने नाराजगी जताई है। दरअसल उर्दू भाषा के 200 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम होना है जिसमें मुशायरे का भी आयोजन किया गया है, जिसको लेकर हाजी अरफात शेख ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हज हाउस हमारी आस्था का विषय है, जहां इस्लामिक काम होता है वहां मुशायरे के नाम पर क्या लाफ्टर शो होने वाला है, उसे हम होने नहीं देंगे। हज हाउस कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि ये सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है। हज हाउस जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम का बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उसमें होने वाला जो मुशायरे का प्रोग्राम है उसके ऊपर विरोध है। शायर की मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर उसके अंदर कई शायरों का जो जबान अलग हो जाती है, छूट जाती है, अदब छूट जाता है, ग्रेट इंडियन लाटर चैनल से तालियां बजती है, और वो हम हज हाउस में होने नहीं देंगे। हज हाउस हमारी मोहब्बत का विषय, आस्था का विषय, हमारा धार्मिक एक स्थल जैसा हमने उसको माना है, जिस तरीके से जहां पे हम हज करने जब जाते हैं तो वहां पे हम एहराम बांधते हैं, और अल्लाह के घर पे जब जाते हैं तो वहां से लब्बैक पढ़ते हुए जाते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वल नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ते हुए हम अल्लाह के दरबार में मक्का जाते हैं, और वहां पे उस जगह पे उसके प्रमाइसेस के अंदर जब देखेंगे कुरान की सब आयतें लिखी हुई है, ऊपर मस्जिद है, बाजू में एक बड़े वली की दरबार है उसमें मस्जिद है, और वहां पे इस तरीके से हंसी का हंगामा वाला कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे। हमारा उस कार्यक्रम को विरोध नहीं है, पर हमारा उधर पे होने वाला मुशायरे के कार्यक्रम को हमारा विरोध रहेगा और मैं होने नहीं दूंगा। इसमें कौन दोषी लग रहा है, किस तरह के भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर? बिल्कुल, सबसे पहला हज हाउस के सीईओ, उनके प्रशासन के जो अधिकारी जिन्होंने बुकिंग ली, उन्होंने देखने के पहले उसको देखा क्यों नहीं कि कार्यक्रम क्या हो रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, किस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन है, और वो खुद भी शामिल हो रहे हैं उसमें। इसके अंदर कई मंत्री आने वाले थे, कई ये सारे चीज लोग आने वाले हैं, और वो कार्यक्रम में इस तरीके का कैसा प्रोग्राम था, और कौन अधिकारी और ऑर्गेनाइजर कौन है, और कौन इसकी सदारत कर रहा है, सबसे पहला ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या उनको हज हाउस का अदब मालूम नहीं है? मुंबई का मुसलमान, मुंबई के उलमा, मुंबई के अंदर रहने वाले कोई पीर, मुंबई का मुसलमान बच्चा बच्चा हज हाउस के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये हम होने नहीं देंगे। इसका कड़ा विरोध करूंगा, जरूरत पड़े तो संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो हज अरफात शेख आंदोलन कर। कि मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत में एक सबसे कमजोर आदमी को सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने के बोलने का पूरा पूरा हक है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ये डिक्टेटरशिप लाना चाहती है कि इनके खिलाफ कोई बात ना कही जाए। अब मैं समझता हूँ कि मुशायरे कवि सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बखूबी लोग अपनी बातों को अच्छी तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ों को रोका जा रहा है यहाँ पे।